हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ न्यूजी स्टेटन B2B 3B CSV फाइल के बारे में, हम इसको कैसे तैयार करेंगे। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा डेबिट क्रेडिट नोट के लिए न्यूजीएसटी रिटर्न में कोई भी ऐसी सीएसवी फाइल नहीं दी गई है जो कि पहले CDNR थी। तो गाइस, जो हमारी क्रेडिट डेबिट नोट है, हम उसको कौन सी सीएसवी फाइल में एंटर करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज़, मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारी न्यू GST रिटर्न है तो उसका फोल्डर हम ओपन करेंगे जो कि हमने न्यू GST ऑफलाइन टूल डाउनलोड की हुई है पहले से ऑलरेडी। यदि आप भी उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देखकर न्यू GST ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो ये फोल्डर है इसको ओपन करते हैं। सेक्शन वाइज CSV में जाएंगे और जाने के बाद इसमें पहली ही हमारी CSV फाइल है B2B 3B CSV फाइल। तो गाइस, ये हमने पहले से ही ओपन कर रखी है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये हमारी B2B 3B CSV फाइल है। तो गाइस, इसमें जो हमारा पहला कॉलम है वो है GSTN नंबर, दूसरा ट्रेड, लीगल नेम, तो गाइस इसमें पार्टी का नेम आएगा, उसमें GSTN नंबर आएगा और इसमें डॉक्यूमेंट टाइप। तो गाइस, इसमें हमारा यदि इनवॉइस है तो इनवॉइस डालेंगे, यदि हमारा डेबिट क्रेडिट नोट है तो हम डेबिट नोट इसमें डाल देंगे। अब गाइस, डॉक्यूमेंट नेम नंबर आ जाएगा, बिल नंबर, उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई और उसके बाद है डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यदि है तो इसमें डाल देंगे। अब गाइस, उसके बाद है सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो गाइस इसमें यस या नो अपने अनुसार कर देंगे। HSN कोड, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसके बाद है IGST, CGST और SGST जो हमारा टैक्स है, फिर उसके बाद है सेस। तो गाइज, मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारी टैली में हमने डाटा फीड किया है तो उसको मैंने अपनी एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर लिया है। तो गाइज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कॉलम है GSTN नंबर का, तो हम इसे जो हमारी एक्सेल की सीट है इस पर हम कॉपी कर देंगे, वहाँ से कॉपी करके इस सीट पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारे GSTN नंबर हमने पार्टी को जो B2B सेल करी है तो वो इसमें डाल दिए। अब गाइज, उसके बाद इसमें लीगल नेम और ट्रेड नेम डालेंगे जो भी हमने B2B सेल की है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इस सीट पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब गाइस, डॉक्यूमेंट टाइप, तो गाइस ये हमारे सभी इनवॉइसेस हैं, इसमें डेबिट नोट नहीं है तो हम सभी पर इनवॉइस कॉपी कर देंगे, क्योंकि हम ही जो हमारे सभी इनवॉइस इसमें एंटर कर रहे हैं। तो गाइस, इसमें आ जाएगा इनवॉइस, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट नंबर। तो गाइस, इसमें हमारा जो आएगा वो आएगा बिल नंबर, जो इनवॉइस नंबर है वो इसमें हम डाल देंगे। तो गाइस, हमने बिल नंबर --, तो इसमें डाले हुए हैं, तो आपको सिर्फ इनवॉइस नंबर ही डालना है जो इनवॉइस पर डला हुआ है, तो हम इसे अपनी सीट में ठीक कर लेंगे, बट आपको इसमें इनवॉइस नंबर ही डालना है। तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो भी आपके इनवॉइसेस होंगे, इनवॉइस नंबर होंगे, उसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब गाइस, उसके बाद है डॉक्यूमेंट डेट। अब जो डॉक्यूमेंट की डेट है, जो इनवॉइसेस जो हमने B2B सेल की है उसकी जो डेट है, डेट इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें हम जो हमारी एक्सेल की सीट है उस पर जाकर हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेट को, जितने भी हमारे इनवॉइसेस हैं उनकी डेट को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी B2B 3B CSV फाइल में कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद गाइस, इसका जो डेट का फॉर्मेट है वो आप चेंज कर लेंगे डेट में जाकर, तो हम इसे डेट में जाकर इसको ठीक कर लेते हैं जो इसमें हमारा B2B CSV फाइल में एंटर होगा। तो गाइस, ये हमारी जो डेट है इनवॉइसेस की वो ठीक हो चुकी है। अब गाइस, उसके बाद है
हमारी इनवॉइस वैल्यू, तो टोटल वैल्यू जो इनवॉइस की है वो इसमें हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जो हमारे बिलो जितने भी बिल हैं उनकी टोटल इन वैल्यू, टोटल डॉक्यूमेंट वैल्यू इसमें हम डाल देंगे इनवॉइस वैल्यू को। तो गाइस इसमें अब हमारा जो कॉलम है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गाइस इसका पता हम कैसे लगाएंगे, गाइस जो हमने अपने GSTN नंबर इसमें एंटर किए हैं तो GSTN नंबर के स्टार्टिंग में जो भी अंकवाइज होता है 0709 जो भी होता है तो उसके अनुसार हम पता लगा लेते हैं ये कौन से स्टेट की हम की सेल की है हमने। तो गाइस हमारा 07 है तो ये दिल्ली का है और 09 स्टेट कोड हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें जो दिल्ली का है 07 तो दिल्ली इसमें लिख देंगे और जो उत्तर प्रदेश का है 09 तो इसमें हम उत्तर प्रदेश डाल देंगे। अब जैसे ये हमारा 07 है, 07 हमारा दिल्ली का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई है हमारी दिल्ली की है और सभी इनवॉइसेस हमारे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, तो इसमें हम कॉपी पेस्ट कर देंगे उत्तर प्रदेश। अब गाइस उसके बाद है डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट। तो गाइस इसमें हमारा अप्लाई नहीं है तो इस कॉलम को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद है सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो इसको गाइस हम नो कर देते हैं, तो सभी इनवॉइसेस में हम नो कर देंगे। अब गाइस उसके बाद है HSN कोड। तो गाइस इसमें हमारा HSN कोड नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे और HSN कोड वाली रो को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब गाइस रेट, तो जो हमने B2B सेल किया है उस पर कितने परसेंट है, ये हमारा 5% में हमने सेल किया है, तो जो हमारा GST रेट है वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब गाइस उसके बाद है टैक्सेबल वैल्यू, जो हमारी इनवॉइसेस की टैक्सेबल वैल्यू है तो इसमें हम वो डाल देंगे, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारी B2B 3B CSV फाइल है इसमें हम कॉपी कर देंगे। अब गाइस IGST टैक्स, तो गाइस जो हमने अदर स्टेट को सेल किया है तो उसमें IGST अप्लाई होता है तो IGST इसमें हम डाल देंगे। तो गाइस हमारी जो फर्म है वो उत्तर प्रदेश में है और जो हमने दिल्ली में सेल किया है तो वो हमारी IGST उस पर एप्लीकेबल है तो इसे हम IGST हमने डाल दिया। अब गाइस उसके बाद CGST और SGST। अब गाइस जो हम लोकल सेल करते हैं तो उस पर CGST SGST अप्लाई होता है तो इसमें हम CGST एक्सेल सीट में से कॉपी करके CSV फाइल पर पेस्ट कर देंगे, जो हमारे CGST टैक्स है। अब गाइस उसके बाद है स्टेट टैक्स SGST टैक्स, तो इसे हम एक्सेल सीट में से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद CSV फाइल पर पेस्ट कर देंगे SGST को। अब गाइस उसके बाद है सेस। तो गाइस ये जो हमारे इनवॉइसेस हैं इन पर सेस अप्लाई नहीं है तो सेस को, जो सेस का कॉलम है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारी CSV फाइल है इसको हम सेव कर देते हैं। तो गाइस इसी प्रकार ही हमारी B2B 3B CSV फाइल तैयार होगी, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको, तो आपको इसी प्रकार ही अपनी B2B 3B CSV फाइल अपनी तैयार करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।